है देखिए बाकी मुकद्दर का सिकंदर बनके आप महाराष्ट्र राज्य लॉटरी ले सकते हैं करोड़पति बन सकते हैं अरबोपति बन सकते हैं लेकिन वेगेन जीतनी है तो आपको मेहनत करनी होगी वेलकम टू राष्ट्रवादी कप पर 2022 पहला ओवर लेकर आ रहे गिरीश कोसरेकर और बैटर है महाराष्ट्र क्रिकेट में दो योगेश पवार है रायगढ़ के योगेश पवार है और एक नगर के योगेश पवार साथ में बेटर है सुनील सुनील खारडे सुनील खरडे ट्रेडिशनल फील्ड पहिली हुई एक लय में, रिदम में मुंबई का कॉइन बॉक्स बोलर गिरीश कोचरेकर सुरुवात करता हुआ एक अच्छी स्टार्ट खूपच चांगली स्टार्ट गिरीश कोचरेकर कडून सध्या पहिल्याच ओव्हर मध्ये गोलंदाजी करतोय गावदेवी गावठान उरणने टॉस जिंकला आणि पहिला, पहिला डॉट बॉल स्टंप्स के करीब आकर इस बार ड्रॉप किया था गेंद कि को ड्राइव कर दिया दो खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद जाएगी मैदान के बाहर छूम होती हुई ये लगा शानदार चौका

Wicket number one.

प्रशांत चिखले लॉट ऑफ प्लेयर्स जो यहाँ पर खेले हमारे विजू भाई तड़ेकर इनकी भी याद आ रही है आज। पिंटू पार्चा।, पार्चा।, पार्चा समर परचा जिनका ये होम ग्राउंड रहा आकाश जांगिड़ के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी गिरीश कोचरेकर के सामने आकाश जांगिड़ किस तरह खेलेंगे एक तरफ युवा खिलाड़ी है एक तरफ तजुर्बा गिरीश कोचरेकर की ये खास बात है बहुत कम गेंदबाज रहते हैं अंकुर सिंह गिरीश कोचेगर जो चौका छक्का खाने के बाद अगली गेंद पर विकेट लेते हैं विश्वजीत ठाकुर ये भी उस फहरिस्त के सरे फहरिस्त खिलाड़ी हैं चार रन एक विकेट के नुकसान पर हमारे यूट्यूब के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं आपका स्वागत है आप शाम का चाय नाश्ता करते हुए देख रहे हैं आपका स्वागत है आप अपने ऑफिस की मीटिंग ख़त्म करके बस अब थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं अपने टेबल पर तो आपका स्वागत है घर पहुंच चुके हैं और पूरे दिन के काम से अब फारिक होकर आप यह टेलीकास्ट देख रहे तो आपका भी हार्दिक स्वागत है आकाश मुंबई शहर में पिछले तीन दिन से काफी गर्मी है कल चौंतीस डिग्री मुंबई वासियों ने अनुभव की इस बार बैठक शॉट और एक आसान कैच आकाश जांगीड ने दे दिया सुमित सुमितोंगड़े के हाथ में और अब हैट्रिक पर पहुंच चुका है गिरीश कोसे आकाश जांगिड जांगिड आउट ऑन जीरो विकेट आकाश बॉल जंगीड पैला बैठक स्ट्रोक मारने का प्रयत्न होता आउटसाइड साइड ऑफ स्टमला पिचिंग बॉल पाय परंतु जे एलिवेशन पाजे हो कमी मिला बॉल हवेत रा जजमेंट सुमित सुमितोंगड़े खूब चांगला जजमेंट चांगला कैच त्याने डीप मध्ये पकडला आणि फलंदाज बाद झालाय खराब स्ट्रोकचं सिलेक्शन केलं इथे आकाश जांगीडने आकाशला वाटलं की क्लिअर करेल दोन वेळा त्याने वर पाहिलं खाली पाहिलं बॅटकडे पाहिलं आणि त्याच्यानंतर मात्र निराशा अगदी स्पष्ट आहे त्याला जाणवलं की हा फटका चुकीचा मी निवडला चार ला दोन अशी परिस्थिती शिरसाट स्पोर्ट्सची फोर फुट टू खिलाडिओ के चेहरे की इमोशन्स को कॅप्चर करने के लिए वाकई में एक बेहतर एडिटर चाहिए घनश्याम घनश्याम सोनाजी हैट्रिक पर गिरीश कोचरेकर अभी इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक यहां पर देखने जा रहे गिरीश कोचरेकर बैंग ऑन उन टारगेट उन्हें मुंबई का कॉइन बॉक्स गेंदबाज क्यों कहा गया है ये उन्होंने दिखाया अच्छा रात्र पहच मध्य सिलग तीन बॉल वर तीन विकेट तीन शिकार के गिरीश कोचरेकर ने वाह काय निर्णय होता प्लम्प डब्ल्यू कारण पहा बरोबर मिडल स्टिकला हा जाऊन बॉल धडकला असता कारण जागा सोडली होती यावेळेला बॅटर घनश्यामने शून्यवर आउट होतो घनश्याम त्या अगोदर आकाश देखील बाद झाला त्याच्यामुळे लगातार विकेट इथे गमवलेले आहेत योगेश पवार पहिली विकेट मिळवली त्याच्यानंतर आकाश जांगळीला बाद केला आणि आता घनश्याम डब्ल्यूच्या स्वरूपात तर दोन हॅट्रिक झाल्यात अक्षय राजभरने काल रात्री हॅट्रिक घेतली आणि आज दुसरी हॅट्रिक इथे पूर्ण केली आहे गिरीश कोचरेकरने किरण खोबरे नए बैटर आ चुके हैं चार रन तीन विकेट के नुकसान पर गिरीश कोचरेकर ने योगेश पवार को सिद्धेश के हाथों एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट करवाया आकाश जांगिड़ स्लॉक स्वीप करने गए और सुमित दोंगड़े को मिड विकेट पर उन्होंने अपना कैच दिया और फिर सीधी सटीक गेंद पर एल बी डब्ल्यू उन्होंने आउट करके वापस भेजा है अभी अभी और तीन गेंदों में तीन विकेट लेकर हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज रहे कल अक्षय राजभर जिन्होंने टी डब्ल्यू जे डॉमिनेटर गुआगर पालघर के लिए लिया, अब इस बार स्विचिट लगाने का प्रयास कुणाल हैट्रिक हो चुकी है और उसके बाद जाने के बाद इस तरह का डेरिंग करना यह वाकई में मतलब एक ओवर चार रन तीन विकेट राईट हँडेड बॅटर ज्यावेळेला लेग कटर सातत्याने गोलंदाजी होते त्यावेळेला अशा पद्धतीचा प्रयत्न करतात परंतु यावेळेला थोडासा लेग स्टम्पच्या बाकीचे जे सर्व बॉल होते ते मात्र बरोबर मिडल आणि ऑफ ऑफस्टमवर पिच केले होते त्याच्यामुळे इथे थोडीशी जोखीम घेतली आणि ही पहा आपल्या स्क्रीनवर राष्ट्रवादी चषक दोन हजार बावीसची ची मालिकावीराची मारुती सुजुकी वॅगनार कार ही कार जर तुम्हाला जिंकायची असेल तर जर तुम्ही गोलंदाज असाल तर प्रत्येक विकेट साठी दहा पॉइंट दिले जातील आणि तुम्ही जर फलंदाज आणि गोलंदाज दोन्ही असाल ऑलराऊंडर असाल तर तुमच्या प्रत्येक रनला एक पॉईंट दिला जाईल म्हणजे जर जा तुम्ही पन्नास रन केले तर तुमचे पन्नास पॉईंट होतील आणि तुम्ही जर पाच विकेट घेतल्या तर तुमचे त्याच्यामध्ये आणखी पन्नास पॉईंट ऍड केले जातील म्हणजेच काय तर विकेटसाठी दहा पॉइंट आणि प्रत्येक रन साठी एक पॉईंट दिला जाईल और इसलिए ट्वेल्थ मॅन बहुत इम्पॉर्टंट क्योंकि ट्वेल्थ मॅन जो है ये अगर महेश का नाम नरेश बताएगा तो महेश का अवार्ड नरेश को चला जाएगा इसलिए कोई भी टूर्नामेंट खास करके घाटकोपर में जब भी आए एक अच्छा ट्वेल्थ मैन लेकर आए क्योंकि गाड़ी में बैठने का मजा उसे भी मिलने वाला है नया ओवर लेकर आ रहे प्रसन्न पाटिल और बैटिंग करने आ रहे अब सुनील खारडे पहले ओवर में एक भी बॉल सुनील खेल नहीं पाए लेफ्टी बैटर है देखिए थोड़ा सा उन्होंने जमीन पर अपने हाथ लगाए भगवान से प्रार्थना की लसित मलिंगा चामिंडावास कई लोगों को आपने देखा होगा जब खेल की शुरुआत के पहले वो भगवान को इष्ट देव को याद करते हैं फेथ फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ प्रसन्न पाटिल चार रन तीन विकेट के नुकसान पर तहलका का मचाने वाली गेंदबाजी पटकी हुई गेंद इस बार हुक करने का प्रयास था बराबर से ले नहीं पाए थे बल्ले पर और शायद गेंद जाकर उन्हें लगी है थोड़ा हलचल पूछते हुए तुषार शर्मा मन्नी आंखों में शायद गेंद लगी है अनएक्सपेक्टेड बाउंस पहिल्याच बॉलवर ज्या पद्धतीने तुमचं स्वागत केलंय गोलंदाज प्रसन्न पाटीलने थोडासा आश्चर्याचा धक्का नक्की बसला असेल सुनील खरडेला कारण पहिलाच बॉल कोणी विचार करत नाही अशा पद्धतीचा बाउन्सर येऊ शकतो परंतु तो विचार केला प्रसन्न पाटीलने कमी वयामध्ये चांगली छाप सोडली या गोलंदाजाने सध्या महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वावर चांगली गोलंदाजी करतोय परंतु सुनील खरडे हे देखील एक मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेट विश्वातलं गाजवलंय क्रिकेट शेतकरी टीमसाठी खेळत असताना आता त्याच्याकडून तीच अपेक्षा आहे काही रन त्याच्या बॅटमधून आले पाहिजे शिरसाट स्पोर्ट्ससाठी चार पांच का क्षेत्रक्षण चार खिलाड़ी ऑफ साइड पर पांच ऑन साइड पर ओह क्या जबरदस्त गेंद गुड स्पॉट से ऊपर उठती हुई टेक ऑफ बहुत अच्छा था कुणाल देखिए ये पिच पर बाउंस अच्छा है हमने गेंदबाजों को मैन ऑफ द मैच लेते हुए कल विश्वजीत ठाकुर को देखा विक्रांत चौहान को देखा और ये वो पिच है जहां पर बॉलर के लिए भी कुछ है बैटर के लिए भी कुछ है मतलब गाड़ी के रेस में बॉलर भी है और बैटर भी है फोर फोर थ्री टैप करते हुए खेला पीछा छुड़ाया स्ट्राइक से एक रन पूरा किया बाएं दाएं बल्लेबाजी का मिश्रण पांच रन तीन विकेट के नुकसान पर एक्झॅक्ट exactly, एक चांगला मुद्दा तुम्ही छेडला देते की गोलंदाजासाठी देखील या स्पर्धेमध्ये खूप काही आहे कारण काल विक्रांत चव्हाणने एका ओव्हरमध्ये दोन विकेट घेतल्या विश्वजित ठाकूरने शेवटच्या मॅचमध्ये चार विकेट घेतल्या दोन गोलंदाज काल मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकताना आपण पाहिलेले आहेत आज एक पहिल्याच मॅचमध्ये हॅट्रिक है, पाहायला मिळाली काल अक्षय राजभरने एक हॅट्रिक घेतली त्याच्यामुळे जर तुम्ही एक विकेट घेतली तर दहा पॉईंट मिळतात गिरीश कोचरेकरच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याला तीस पॉईंटची कमाई झाली आहे त्याच्यामुळे या गाडीच्या रेसमध्ये गोलंदाज देखील असतील फलंदाज देखील असतील इस बार हुक कर दिया अब ऐसे शॉट पर दौड़ने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन आई लाइन के सामने आती हुई गेंद और शॉट के लिए जगह बनाई वजन ट्रांसफर करते हुए बल्ले को स्वाइप किया और प्रसन्न के सामने एक प्रसन्न शॉट चार रनों का बुक करत असताना या चार धावा मिळवल्यात बॅटर किरण खोबरेने त्याच्या खात्यामध्ये चार धावा टीमची धाव संख्या नऊ जास्त शॉर्ट बॉल नव्हता तरी देखील बरोबर खेळला फलंदाज किरण खोबरे रन मिळत चार आणि आता रन झाले स्कोर बोर्डवर नऊ तीन फलंदाज बाद रिकव्हरी की सुरुवात हो चुकी है या पर इस बार टप्पा खाकर गेंद को बाहर की जानिब काटा था काटा बदलती हुई गेंद और लेफ्टी बोलर का एक नेचुरल एंगल हमें देखने को मिला उस गेंद में जैसे विक्रांत चव्हाण ने कल की थी अनिकेत सानप को हम अगले मैच में देखेंगे बिल्कुल उस शैली के गेंदबाज प्रसन्न पाटिल गोलंदाजी करता राइट हैंडेड बैटर चांगला बॉल बढ़ौला इस बार लॉन्ग ऑफ पर खेला है अब जाकर गेंद को रोका गया है और एक अच्छा थ्रो

करून घेण्यात येईल आणि ते, ते देखील मुख्य व्यासपीठ इनकडून पॅव्हलिन इन कडून पुन्हा एकदा बॉल त्याच्या हातामध्ये सोपवण्यात आला दोन ओरचा खेळ संपलाय दहा धावा तीन जे विकेट तुम्ही पाहताय ते तिन्ही विकेट पहिल्याच ओव्हरमध्ये गिरीश कोचरेकरच्या नावाच्या बरोबर जोडले गेलेले आहेत प्रसन्न पाटीलने देखील एक चांगलं षटक टाकलं परंतु या दोन्ही ओव्हरमध्ये एक गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळाली की दोन्ही ओव्हरमध्ये एक एक चौकार आला आहे चार धावा दोन्ही ओव्हरमध्ये आलेल्या आहेत बॅटरकडून आलेले आहेत परंतु आता इथून पुढे थोडंसं आक्रमण करावं लागेल आणि आपण पाहिलं कालच्या मॅचमध्ये पहिल्याच सामन्यामध्ये अठ्ठावन्नचं लक्ष होतं पाच ओव्हरमध्ये त्या धावा चेस झाल्या होत्या गोविंद युनायटेडने केल्या होत्या त्याच्यामुळे या स्पर्धेमध्ये कमीत कमी पासष्टच्या वर जाण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे विनिंग स्कोर फार स्कोर अपन नक्की म्हणू शकतो 60 65 70 च्या आसपास तुम्हाला धावा कराव्यास लागतील यस डेफिनेटली yes, और हमने देखा कि धीरे-धीरे फिर स्कोर ऊपर जाता गया 88 का हाईएस्ट स्कोर कलम है देखने को मिला टीम द्वारा फुल टॉस बॉल ड्राइव किया आसान गेंद रही थी वहां पर किरण खोबरे के लिए किरण खोबरे ये भी एक हरफन मौला खिलाड़ी है इनके पास एक क्रिकेट की अच्छी समझ है और खास करके जब बॉलिंग करते हैं यॉर्कर उनका ब्रह्मास्त्र है स्कोर इलेवन फॉर थ्री स्ट्राइक पर अब आते हुए सुनील खरडे शिखर धवन की तरह अपनी मूछों को ताव देते हुए उन्होंने अब स्ट्राइक ली है ड्रॉप किया और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सीधा मेन स्टेज पर आती हुई गेंद और ये गगनचुंबी छक्का अग् मुख्य व्यासपीटाला सलामी देना षटकार मार इस बार भी लपेट लिया है कैच होने का सवाल पैदा नहीं होता गैप से निकलती हुई गेंद लाइन के बाहर चली गई ये अफलातून चौका जो गिरीश हैट्रिक ले चुका है उसी के सामने मोर्चा खोलते हुए सुनील खरडे चार्गेट के या ओवरला विशेष ऑफ स्टम सोटा सा थोड़ी सी जागा बन फटके मारले जता है थोडासा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न केला गिरीश आणि दोन्ही बॉलवर चांगली फटकेबाजी सुनील खरडे कडून एक षटकार एक चौकार आला दहा रन मागील दोन बॉलवर टीमची धाव को एकवीस धीमा कर दिया था चतुर गेंदबाजी आज जो प्रदर्शन उन्होंने गावदेवी गावठन उरण के लिए किया है वाकई में उरण कर भी अब खुशी से झूम उठे हैं कि आपल्या संघने चांगली सुरुवात केलेली आहे ट्वेंटी वन फॉर थ्री बॅटिंग फर्स्ट शिरसा स्पोर्ट्स नगर जगा पर सिद्धेश वास्कर को मिलता हुआ दूसरा कॅच और गिरीश कोचरेकर को मिलती हुई ये चौथी विकेट चाळीस पॉईंट आता त्याचे झालेले आहेत आणि विशेष म्हणजे काय मागचा जो बॉल टाकला होता स्लोर कटर वापर त्याने केला हे ट्रॅप रचलं होतं आणि इथे या जाळ्यामध्ये सापडलाय मी म्हणेन बॅटर सुनील खरडे कारण मागचा बॉल देखील अगदी तसाच टाकला होता हा देखील बॉल थोडासा कमी गतीने टाकला कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न इनसाइड आउट डीपमध्ये क्षेत्रक्षक सजवला होता आणि कव्हर्सला खेळत असताना टायमिंग थोडस फसलं निराश असेल नक्कीच फलंदाज सुनील खरडे कारण स्टार्ट मिळाला होता या बॅटरला परंतु चारच्या चार विकेट आतापर्यंत घेतल्यात गिरीश कोचरेकरने एकवीसला चार शिरसाट स्पोर्ट्स स्कोर 21 पर चार चार विकेट देखिए कल विश्वजीत ठाकुर ने चार विकेट लिए अक्षय राजभर ने चार विकेट लिए जिसमें एक था आज गिरीश कोचरेकर ने चार विकेट लिए नए बैटर है कुणाल आई थिंक आप इनको जानते हैं नवी मुंबई का कोहिनूर ये नाम से आजकल उनकी ख्याति है भूषण पाटिल बहुत स्टाइलिश बैटर है और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं भूषण पाटिल 21 वन फॉर फोर चारों विकेट गिरीश कोचरे के नाम क्या इस टूर्नामेंट का पहला फाइफर हम देखेंगे देखिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए गिरीश कर दो ओवर कोई मेडल नहीं पंद्रह रन चार विकेट एक हैट्रिक खुद से खुददारी टीम के साथ वफादारी ये गिरीश कोचरेकर की पहचान है तीन ओवर इक्कीस रन चार विकेट कुणाल सात का रन रेट ये बहुत कमजोर रन रेट कहा जाएगा एग्जैक्ट कालच्या खेळाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर थोडासा कमी रन रेट ने सध्या फलंदाजी सुरू आहे शिरसाट स्पोर्ट्स ची सुनील खडेकडून अपेक्षा होती तो मात्र बाज झाला त्याने एक षटकार एक चौकार मारला मागच्या ओव्हर मध्ये गिरीशचा रन आले परंतु गिरीशने चार विकेट घेतल्या महत्त्वपूर्ण त्या चारही विकेट होत्या आणि मेन म्हणजे काय तर जे चांगले फलंदाज होते त्यांना गिरीशने बाद केलं त्याच्यामुळे थोडासा दबाव तर बनलाय आणि आता भूषण पाटीलला डाव सावरण्याचा प्रयत्न करावा लागेल किरण खोबरेच्या बरोबरीने आता मध्ये थोडासा बदल होईल का हे पाहावं लागेल की हातात बॉल दिला प्रसन्न पुन्हा एकदा बॉलिंग करताना दिसेल आता पंतनगर एन कडून तीन ओव्हर नंतर ला चार शिरसाट स्पोर्ट्स बिलकुल ऑटोपायलट मोड में काम कर रही है गावदेवी गावठन उरण ज्या हर व्यक्ती अपना काम पता है जैसे किसी फैक्ट्री के मशीन को ऑयलिंग करने के बाद वो बिल्कुल निरंतर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर काम करता है बिल्कुल उस तरह ये टीम है इसके हर खिलाड़ी को अपना काम पता है प्रसन्न पाटिल इनके सामने बैटर है किरण खोबरे खोबरे के ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहेगी पारी को सजाने की पारी को संवारने की पारी को निखारने की जिम्मेदारी लेकर उतरा है मैदान में किरण खोबरे सामना करेगा इस वक्त प्रसन्न पाटिल का प्रसन्न पाटिल एक ओवर विकेट नहीं तीन ओवर इक्कीस रन चार विकेट बेहतर गेंद क्या इस तरह की गेंदे जब बाजू से जाती है चिन म्यूजिक कहा जाता है और बिल्कुल टुडी के नीचे से बॉल चली गई तुषार शर्मा मन्नी के हाथों में नक्की तो आवाज वाजत असेल त्या कानात देखील आणि अगदी तोंडा जवळून हा बॉल गेला विकेट किपर कडे परंतु प्रसन्नच्या गोलंदाजीमध्ये हरीश सर तुम्हाला एक गोष्ट नक्की पाहायला मिळाली असेल कटरचा चांगला वापर केला त्याने चांगले टाकले आणि चांगला बाउन्स त्याने प्राप्त केला या खेळपट्टी पासून ज्यावेळेला तो पंतनगर इन कडून गोलंदाजीसाठी आलाय बार तुरंत हरकत लेली थी कॅच तो होय गा जी हा उने खुशी जरूर देगा और एक डॉट बॉल के बाद सिक्स लगाकर किरण खोबरे ने वहाँ पर अपनी टीम के चेहरे पर खुशी लाई है

आता चांगली फलंदाजी सुरू आहे किरण खोबरेची शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय चांगलं टायमिंग पहा थोडासा मागे टाकला आणि भरपूर क्रिजच्या आतमध्ये गेला होता पहिलेच फलंदाजीसाठी किरण खोबरे बॅक टू बॅक दोन षटकार आले टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर फ्लाय होत असताना रन झाले आता स्कोर बोर्डवर ते ही लाईन थोडीशी खराब होती प्रसन्नाची आणि त्याच्यावर तुटून पडलाय किरण खोबरे त्याच्या नावात रन आहेत रन करतोय वाकई मे Uh, किरण खोबरे ने वहां पर मानो प्रसन्न पाटिल को खोबरे पाक खिलाया है और uh, स्कोर थर्टी थ्री फॉर फोर भूषण शून्य पर है किरण खोबरे एक ताजगी लेकर आए किरण खोबरे ने बताया कि परिस्थिति कैसी भी हो मनस्थिति मायने रखती है और मैदान में वो डटकर मुकाबला कर रहे एक झुजारू पारी एक धाकड़ पारी कही जाएगी इस वक्त किरण खोबरे द्वारा तैतीस पर चार पहले तीन ओवर में स्ट्रगल था 21 का स्कोर था इस ओवर में अब तक बारह रन आ चुके हैं डॉट बॉल रन छः रन अब अगली गेंद क्या होगी प्रसन्न पाटिल की पावर प्ले खत्म हो चुका है और क्षेत्रक्षण देखिए अब फैला दिया गया है चार खिलाड़ी दायरे के अंदर है फ्लाई स्लिप है फाइन लेग एक्स्ट्रा कवर और वाइटिश मिडाउन दायरे के अंदर है स्क्वायर लेग का कॉर्नर वाइडिश लॉन्ग ऑन ऑन साइड पर अभी ये गलत शॉट था वाकई में क्या इसकी जरूरत ही रनों की जरूरत और रनों का लालच कुणाल ये दो के बीच में जो अंतर है ना ये वेफर जो होता है ना वेफर उसकी जो पतली सी जो पतलापन रहता है बिल्कुल ऐसा फर्क है दोनों के बीच में एक्झॅक्ट आपण पाहतो डीप बॅकवर्ड पॉईंट ठेवला तुमच्या त्याच रिव्हर्स शॉर्टसाठी साठी एक्स्ट्रा कव्हर खाली आहे मग ही आवश्यकता नव्हती सही शॉर्ट और सही परिणाम कल किशन देवेंद्र को देखा था और आज किरण खोबरे लगा सिक्स एक्झॅक्ट याच गोष्टीचा आपण उल्लेख करत होतो डीप बॅकवर्ड पॉईंट तुमच्या समोर ठेवलेला आहे कवर्स खाली आहे अशा परिस्थितीमध्ये तो मागचा जो फटका होता तो चुकीचा निवडला हा फटका खूप चांगला होता स्टँड अँड डिलीवर्ड स्वीपर कवर आणि कवरच्या वरून उडवलेला हा षटकार आहे बरोबर लेंथ ओळखली पुन्हा एकदा चूक करत असताना प्रसन्न शॉर्ट अँड वाईड आणि बरोबर कवर्सला हा षटकार मारलाय फलंदाज किरणने रन करतोय दोनशे चाळीसच्या स्ट्राइक रेटने सध्या टीम साठी एकोणचाळीस धावा चार फलंदाज बाद कोकण में आप चले जाए तो खोबरे की चटनी जो होती है उसके बगैर खाना अधूरा रहता है वैसे यहाँ पर किरण खोबरे के बगैर शिरसाट स्पोर्ट्स नगर अधूरा है इडली के साथ चटनी वड़ा के साथ चटनी वड़ा के साथ चटनी खोबरे सी चटनी अब इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे हालांकि कैच हो नहीं पाएगा रन जरूर पूरा किया किरण खोबरे ने चार ओवर का खेल समाप्त होता हुआ चार ओवर के बाद स्कोर 40, चार विकेट के नुकसान पर 19 रन इस ओवर में आए और प्रसन्न दो ओवर 25 रन कोई विकेट नहीं और कुणाल रेट के मामले में जो साठ का मैजिक फिगर है वो वाला रन रेट चार ओवर में चालीस आता रन रेट चांगला आहे त्याचं कारण आहे फलंदाजी खूपच चांगली केली किरण खोबरेने अकरा बॉलमध्ये पंचवीस केल्या भूषणला खातं उघडायचं आहे सुरुवात थोडीशी डळमळीतच राहिली कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये आपण हॅट्रिक पाहिली तीन फलंदाज बाद केले गोलंदाज होता गिरीश कोचरेकर चार विकेट त्याने घेतल्या परंतु त्याच्यानंतर डाव सावरलेला आहे पूर्णपणे किरण खोबरेने चांगली फलंदाजी त्याने केली आहे राष्ट्रवादी चषकात तुम्ही खेळताय आणि या स्पर्धेमध्ये दहा लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे पाच लाख द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला लीग स्टेजेसमध्ये खेळण्याची संधी प्राप्त झाली तर इथे परफॉर्मन्स द्यावाच लागेल गावदेवी गावठान हा पहिल्या पर्वाचा विजेता संघ आहे त्याच्यामुळे मगाशी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आता चौथ्या पर्वामध्ये ते सर्कल ते पूर्ण करतील का याच्याविषयी देखील चर्चा होईल परंतु काल जर आपण पाहिलं तर चांगला खेळ केला एन बी अवध इलेव्हन धनकवडी पुणे या संघाने आणि त्याचबरोबर पिरामिटर एन बी गोविंद गोविंद इलेव्हन युनायटेड या टीम ने खूप चांगला खेळ दाखवला हे दोन संघ क्वालिफाय झालेले आहेत ग्रुप ए मधून ए वन आणि ए टू च्या माध्यमातून तर सुपर सिक्स मध्ये या लढाई असतील मजा येईल ओव्हरऑल राष्ट्रवादी चषक दोन हजार बावीस मध्ये अलिबाग के खिलाडी है नैवर की पहिली गेंद उठा दिया वहां पर कैच आउट का खतरा और अक्षय पाटील ही विकेट ले और वो भी किरण खोबरेगा और सुंदर कैच वहां पर गिरीश कोचरेकर अक्षय मोन्या आल्या थोडासा पुढे बॉल टाकण्याचा प्रयत्न डीप मध्ये आपण पाहिलं ऑन तैनात होता किरण खोबरे जो चांगली बॅटिंग करत होता अखेर त्याची देखील विकेट मिळवण्यामध्ये दे यश प्राप्त झालं अक्षयला पहिल्याच बॉलर विकेट मिळाली आणि पाच फलंदाज बाद झाले शिरसाठ स्पोर्ट चे चाळीस रन वर रन कराव्या लागतील अक्षयला यश मिळालं डीपमध्ये गिरीश कोचरेकरने चांगला झेल टिपला वाकई में पिच पर गए और पिच को बोला कि मुझे खोबरे की चटनी चाहिए और उन्होंने पैक करके ले ली आउट कर दिया वहां पर बैटर किरण खोबरे को बट वॉट एन इनिंग्स बाय किरण खोबरे अब नए बैटर है अमोल डुबे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं कुणाल जो बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं और दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं ऐसे बहुत रेयर क्रिकेटर होते हैं उनमें का एक अमोल डुबे है चालीस रन पांच विकेटों के नुकसान पर आखिरी ग्यारह गेंदों का खेल शेष और अच्छी शुरुआत अक्षय पाटिल द्वारा ड्राइव कर दिया आसान गेंद एक रन सिद्धेश ने दो कैच लिया सुमित ढोंगड़े ने एक कैच लिया हमने एलबीडब्ल्यू देखा गाउदेवी देवी गाउठन उरण ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है इस वक्त 41 फॉर 5 अतुल मडवी की यह टीम है गाउदेवी गाउठन उरण ट्राइडेंट न्यू मुंबई और राजशक्ति रिबड़ा राजकोट गुजरात टॉस के लिए अब आपको स्टेज के पास आना अनिवार्य है पांचवा ओवर इस बार खेला गली में भूषण एक रन स्कोर 42 टू फॉर फाइव यश बिशिया लाइन्स जब इन्होंने पीएल जीता था उस टीम के कैप्टन थे भूषण पाटिल वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट का टाइटल वो जीत चुके हैं इस बार बेहतर बॉल थी अक्षय पाटिल की गेंदों को पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है ये बिल्कुल सही है गिरीश कोचेकर मेरे ख्याल से कुणाल हाईवे एंड से गेंदबाजी में ज्यादा पैनापन और धार नजर आ रही है नक्की विशेष अक्षय ने लगातार मन गेंद भी किस तरह से अंदर की जानी मुड़ी और पता नहीं चलने दिया अक्षय पाटिल एक खर्चीले ओवर के बाद मतलब एक कंजूस गेंदबाजी देखने को मिल रही है जो अच्छी बात है गावदेवी गावठान उरन टीम के लिए प्रसन्न पाटिल के उस ओवर में 19 रन आए थे लेकिन अब इस ओवर में इस बार ऑन ड्राइव मैदान के घास पर आग लगाने वाला वो शॉट था हालांकि बाउंड्री लाइन के दो गज अंदर रोका गया है दो रन हासिल करते हुए अमोल डूबे और यहां पर अक्षय पाटिल का एक बेहतर ओवर समाप्त एक ओवर चार रन एक विकेट पांच ओवर के बाद स्कोर है फोर्टी फोर फॉर फाइव्रेड एट पॉइंट एट जीरो भूषण पाटिल दो बॉल एक अमोल डूबे चार बॉल तीन और किरण खोबरे आउट होने के बाद कुणाल आखिरी छह गेंदों में आपको लग रहा है सोलह मिल जाएंगे करायलाच लागतील कारण सेकंड इनिंगमध्ये गोलंदाजाच्या समोर काही जर तुम्हाला ठेवायचं असेल तर आता तो प्रयत्न करायला हवा आणि विशेष म्हणजे अमोल दुबे आणि भूषण पाटील हे असे फलंदाज आहेत त्यांच्या रडारमध्ये जर काही बॉल आले तर ते लाईनच्या बाहेर मारू शकतात परंतु एक शॉर्ट टीम मिटिंग मनीने बोलावली त्यांनी सांगितलं असेल त्याच्या शेवटच्या गोलंदाजाला की इथे तुला एक्झॅक्ट कशी गोलंदाजी करायचे किती धावा रोखायचे निश्चित कर हातात मध्ये हा बॉल सोपवण्यात आला दे हा देखील चांगला प्रभाव टाकतोय सध्या महाराष्ट्र टेनिस बॉल तीच अपेक्षा असेल तुषार त्याला सातत्याने सांगतोय की एक्झॅक्ट तुला कशा पद्धतीने गोलंदाजी करायची आहे डेथ आणि जर इथे सोळा धावा झाल्या तर मी म्हणून पहिल्या मॅच मध्ये नक्कीच शिरसाट स्पोर्ट्स चांगलं धडाक्यात पुनरागमन करू शकतो गावदेवी गावठांच्या विरुद्ध पहिल्या ओव्हरच्या तीन विकेट नंतर और कुणाल देखील कल के खेल के बाद आज पिचके ऊपर रोलर घुमाया गया होगा तो पिच का भी जो वेरेंटर है उसको रिपेयर किया गया है तो मेरे ख्याल से जब आप दिन का पहला मैच खेलते हैं चाहे सुबह में शाम में दोपहर में एक आपको एडवांटेज होता है पिच का और मेरे ख्याल से दूसरी पारी में भी हमें बॉल की जो बाउंस है वो लगभग इसी तरह की नजर आएगी निशी करने राइट कर, हम राउंड और भूषण ने यहां पर हरकत नहीं अब ओरिजिनल भूषण दिख रहा है और गेंद को पुल करते हुए फेंक दिया सड़क पे कड़क छे रन टीला कडून अपेक्षा आहेत आता रन व्हायला पाहिजे टीम कडून आणि पहिल्याच बॉलवर षटकार मारला परंतु हा भरपूर शॉर्ट बॉल होता निशी कर्णेकरचा भरपूर मागे टाकला होता रोहा परिसरातून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय गावदेवी गावठान उरण मध्ये पहिलाच बॉल त्याचं भव्य स्वागत करत असताना भूषण पाटील परंतु इथून पुढे निशिक कर्णेकरचे पाच बॉल खूप महत्वाचे ठरतील या मॅच मध्ये कारण अर्धशतक पूर्ण झालाय जो दबाव टाकण्यासाठी धावसंख्या पाहिजे त्या दिशेने वाटचाल सध्या करताना दिसतोय शिरसाट स्पोर्ट्सचा संघ संघ पर पाच भूषण पाटील तीन बॉल सात एक शेखी लगाकर यहां पर अब आक्रमक तेवर दिखाने की शुरुआत की है एक अच्छा स्टांस इस बार खेला ऑन साइड पर एक रन स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई वहां पर सुमित दोंगड़े के पास मिस्टर 360 ऑफ रायगढ़ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 फॉर फाइव इक्यावन रन पांच विकेट के नुकसान पर सात गेंदों में ग्यारह रनों की पार्टनरशिप आखिरी ओवर आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कप 2022 आयोजक सन्मान्य राखीताई जाधव मुंबई मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दस लाख रुपए पहला इनाम पांच लाख रुपए दूसरा इनाम बेस्ट बैटर बेस्ट बोलर बेस्ट फील्डर तीनों को साइकिल है मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए मोटर कार है इस बार क्रॉस बैटेड शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड दो खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई बॉल वहां पर रफू चक्कर होती हुई वॉट अ शॉट और एक दर्जे वाला यहां पर शॉट दिखाया अमोल डुबे ने ये चार रन कड़क शॉट अमोल दुबे सा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन बाहर इतने ये तो हाथ चौकार चांगल टाइमिंग क्षेत्रक्षक पोचू शक नहीं है बॉल वर टीम की धाव संख्या पंचावन फिफ्टी फाइव लॉस ऑफ फाइव विकेट 70 70 के हमारे तमाम यूट्यूब दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है आज की शाम का पहला मुकाबला अभी करने का प्रयास था कामयाब नहीं हो पाए एक अच्छी गेंद बिंदी गेंदी करने पचपन कर रन पांच विकेटों के नुकसान पर किरण खोबरे बारह गेंदों में पच्चीस बनाकर आउट हुए एक अच्छी पारी उन्होंने खेली और, और भूषण पाटिल के ऊपर जिम्मेदारी है पारी को एक अच्छे स्कोर पर समाप्त करने की इस बार जाने दिया है वाइड बॉल अंपायर शशि साटम द्वारा पारी की पहली वाइट बॉल 56 सिक्स फाइव एक अनुशासन भरी गेंदबाजी जरूर रही है पांच खिलाड़ी आउट किए हैं अबुल इस बार आसमान में खेलते हुए कैच आउट का मौका है हाथ से आखिरी क्षण पर कैच छूटा देखिए पीछे जाते हुए कैच हमने कल भी एक ऐसी कोशिश देखी थी यह कैच होता तो क्या बात थी लेकिन दो रन मिल रहे याची वक्त शिरसाट स्पोर्ट्स नगर केली अठावन रन फिफ्टी एट झालेत आता बॉल शिल्लक आहे इथे सिंगल जरी झाली तरी साठ धावांचं लक्ष येऊ शकतं परंतु भरपूर हवेत राहिला बॉल मिड ऑफला क्षेत्रक्षक नौता स्वतः निशि कर्णेकर बॉल च्या मागे धावला जजमेंट थोडस फसलं त्याचं आणि हातातून बॉल निसटला दूर राहिला तो दुसरा क्षेत्रक्षक होता रिले कॅच पासून अखेर इथे मात्र अठ्ठावन्नला पाच शेवटचा बॉल शिल्लक अभी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड कैच आउट का मौका है और ओवर में छः विकेट गिरे हैं ये अच्छी बात है गाऊदेवी गाउटन उरन के लिए आउट हो गए अमोल डुबे कैच लिया गिरीश कोचरे करने कोचरे करने आज न केवल विकटें ली है बल्कि कैचेस भी लिए हैं और अट्ठावन रन छः विकेट के नुकसान पर और उनसठ रन एक उन दबा पाइए मैच जीतने के लिए अगले मैच के टॉस की तरफ जरूर अनाउंसमेंट करना चाहूंगा ट्राइडेंट न्यू मुंबई और राजशक्ति रिबड़ा राजकोट गुजरात तो वापस लौटते हुए दोनों बैटर भूषण पाटिल नॉट आउट रहे चार बॉल आठ अमूल डुबे आठ बॉल नौ रन फिफ्टी एट फॉर सिक्स निशी करने का कर एक ओवर चौदह रन एक विकेट सीधी लकीर में एक टीम बाहर आई एक टीम अंदर गई ये अनुशासन जो है ये क्रिकेट में भी जरूरी है राजकारण में भी जरूरी है और बिजनेस में भी जरूरी है डिसिप्लिन इज द मदर ऑफ ऑल दी सक्सेस और यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों राष्ट्रवादी चषक में आपका हार्दिक स्वागत है आज की शाम का पहला मुकाबला जहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया था और शिरसाट स्पोर्ट्स नगर ने अट्ठावन रन बनाए छः विकेटों के नुकसान पर उनसठ रनों का लक्ष्य दिया गया है इस वक्त मैच जीतने के लिए गाऊ देवी गाउठन ऊरन को कुणाल कल भी यही स्थिति थी पहले मैच में टी डब्ल्यू जे डोमिनेटर गुहागर पालघर छः ओवर के छः विकेट हर ओवर में अगर आप एक विकेट लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन कहा जाएगा गिरीश कोचरेकर का हैट्रिक हमें भूलना नहीं होगा और अब यहाँ पर गाऊ देवी गाउठन ऊरन के जो बल्लेबाज है वो अपना जो टाइटल उन्होंने पहले साल जीता था उसके अभियान की शुरुआत करेंगे बिल्कुल सुंदर बैनर आप देख सकते हैं स्टेज पर देशा माजी कृषि मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शरदचंद्र जी पवार साहेब यहाँ वाढ़दिवसानिमित्त प्रकाश जोता दिल ओवर टेनिस बॉल क्रिकेट सामने एटी थर्ड बर्थडे एटी थ्री का हमारे भारत के लिए बहुत रेलिवेंस भी है क्योंकि उन्नीस में भारत ने विश्व कप जीता था तो नए बैटर्स मैदान में आ चुके हैं और करण मडवी और सुमित दोंगड़े और दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है दुर्गा परमेश्वरी मंदिर आयोजित घाटकोपर महोत्सव कला क्रीडा सांस्कृतिक इसकी एक झलक आप देख सकते हैं अपने मॉनिटर पर मैराथन साइकिलिंग क्रिकेट वॉलीबॉल कबड्डी फुटबॉल हर खेल को प्रोत्साहन घाटकोपर महोत्सव के जरिए टेबल टेनिस बैडमिंटन आचार्य यात्रे मैदान ये खेल कूद की गतिविधियों से व्यस्त ऐसा मैदान रहा है 20 दिसंबर से 27 दिसंबर घाटकों पर महोत्सव देखना न भूले आपला घाटकों पर आपला महोत्सव और उसमें आप शिरकत कर सकते हैं बहुत ही कलरफुल यहाँ पर ग्राफिक्स 7070 सेवेंटी -70 स्पोर्ट्स के और दूसरी बारी की शुरुआत और अब आपके सामने हाजिर होने जा रहे हैं मेरे काबिल दोस्त कुणाल दाते थँक्यू हरीशजी व्हॉइस ऑफ इंडिया यांना तुम्ही ऐकल पहिल्या सत्रामध्ये लक्ष आहे या मॅच मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या त्र्याऐंशीव्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी चषकाचं आयोजन करण्यात आलं राखीताई जाधव मुंबईच्या कार्याध्यक्ष आहेत मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या गटनेत्या देखील त्या होत्या नगरसेविका म्हणून पंधरा वर्ष कार्यकाळ त्यांचा राहिलेला आहे या परिसराचा काय पालट त्यांनी केला आणि क्रिकेटवर त्यांचं तेवढंच प्रेम आहे घाटकोपर महोत्सवाच्या माध्यमातून अनेक खेळ त्यांच्या माध्यमातून इथे राबवले जातात सांस्कृतिक कार्यक्रम राबवले जातात आणि आता क्रिकेटची ही स्पर्धा तुमच्यासमोर जिथे दहा लाख रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक ठेवण्यात आलं आणि पहिले षटक अमोल दुबे गोलंदाजीसाठी तयार लेफ्ट मोर द विकेटने यावला बैठक बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्र्यांच्या बाहेर पहिल्याच बॉलवर करण मडवीच्या बॅटमधून येतोय षटकार और जब आप अपने कामयाबी के घोड़े पर सवार होते हैं तो आप जो चीज पर हाथ लग दे वो आपकी हो जाती है पहली बॉल पर सिक्स लगा दिया करण मढवी ने और बढ़िया शुरुआत छह रन के साथ संगली बैटिंग पहला बॉल सिक्सर दूसरा बॉल आउट साइड स्टम अमोल अंपायर सिग्नल वाइड बॉल दबाव है पहला षटकारा हा कर पहला बॉल वर बैठक स्ट्रोक स्क्वेअर लेगला उडवला सहा रन तिथून प्राप्त केले राष्ट्रवादी चषक षटकार आला दुसरा बॉल दबावात टाकला थोडासा बाहेर वाईट बॉलचा इशारा पंचांची इथे खून येते आणि टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डर आहे आता सात या वेळा इन्साइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न बॉल हवेत आहे क्षेत्रक्ष खाली येतोय आणि इथे पलटवार केलाय गोलंदाज अमोल दुबेने विकेट मात्र मिळवली आहे करण मडवी बॅक टू पॅविलियन किरण खोबरेने पकडला डीप मध्ये हा एक चांगला झेल चेत टीम गावदेवी गावठान उरन ला अतुल मडवी एका बाजूला संघ मालक तो दुसरे संघ मालक शिरसाट स्पोर्ट्स से अपने ला पहला मिलता है अमूल शिरसाट बहुत बढ़िया गेंद कैप्टन के आते ही देखिए मेरे ख्याल से मन्नी बॉल के टर्न के लिए गए गे। और गेंद सीधी निकल ली गई स्ट्रेटनिंग अ टच जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उस तरह की गेंद सेवन फॉर वन चांगलं कम बॅट शट करानंतर अमोलचं हा देखील बॉल थोडासा बाहेर टाकला सिग्नल व्हाईट बॉल जाऊ दिलाय तुषारने बॉल विकेट किपर साठी दोन एक्स्ट्रा आले आणि दोन्ही एक्स्ट्रा हे व्हाईटच्या स्वरूपात आहेत इस टुर्नामेंट लेफ्टियों का बोलबाला रहा है कल हमने देखा सुनील चावरी रजत मुंडे आज भी जिस तरह से हमने बॅटिंग होते हुए देखी काबिले तारीफ अब तुषार शर्मा एट फॉर वन त्यावेळेला थोडस पिच बॉल होता शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्रक्षक आहे एक रिणी ते कम्प्लीट केली जाईल चांगला कव्हर आहे तुषार शर्माच्या बॅट मधून सिंगल प्राप्त करत असताना टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर या सिंगलद्वारे नऊ धावा एक फलंदाज बाद लक्ष असं पाहिलं तर कालच्या मॅच मध्ये पहिल्या मॅचच्या तुलनेमध्ये थोडस कमी वाटतंय परंतु इथून देखील कठीण केलं जाऊ शकतं विकेट घ्यावं लागतील रेग्युलर इंटरवलमध्ये दुसऱ्या बाजूला सुबीत ढोंगडे आता आलाय स्ट्रायकिंग एंडला जो आतापर्यंत नॉन स्ट्राइकिंग एंडलाच होता पहिले चार बॉल करणने चांगले फेस केले एक षटकार त्याने मारला आता मैदानामध्ये तुषारची धावसंख्या एक सुमितला अजून एक हात उघडायचं आहे अमोल दुबे पहिले षटक हाताळत असताना नऊ धावा त्याने खर्च केल्यात क्षेत्रक्षणाची सजावट पहा कवरचा क्षेत्रक्षक आतमध्ये बोलवला गेलाय मिडॉनचा क्षेत्रक्षक आता काऊ कॉर्नरला सेट केलाय डीपमध्ये स्क्वेअर लेग ठेवलाय थर्टी आर्ट सर्कलच्या आतमध्ये शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्ड मॅन बॅकवर्ड ऑफ पॉईंट नाही शॉर्ट कव्हर पॉइंट थर्टी आर्ट सर्कलमध्ये मिड ऑफ देखील आहे बोलत यार अमोल समोर आहे सुमित डोंगडे सुमित डोंगडे साठी हा चांगला बॉल होता पडल्यानंतर उंची थोडीशी कमी मिळाली परंतु एक रन कम्प्लीट केली जाईल लेग बायचा इशारा पण इथे घोषित करतात एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये रन झाले दहा अभी भी कांटे की टक्कर है सुमित डोंगडे लगातार दो साल रायगढ़ प्रीमियर लीग का मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी युवा सेना चषक पिछले साल बारिश हुई लेकिन बारिश के पहले देर रात रवि बुम्बक को चार बॉल में चार सिक्स उन्होंने जो लगाए मैं आज भी भूला नहीं हूं दैट काइंड ऑफ अ बैटर मंडी सा फुल टॉस तिथे मात्र डीप मध्य क्षेत्र चांगला झेल पकड़ आकाश जहांगीर ने बैटर आउट टुषार बैट टू दैविलियन दुसरा धक्का दिलाय अमोल दुबे ने पहले ओवर मे गाँव लगा मानो मन्नी के लिए हनी ट्रैप था और मन्नी वो हनी ट्रैप के शिकार हुए उन्हें लगा कि मैं इसको भेज पाऊंगा लेकिन आकाश जांगिड़ जिनका ये होम ग्राउंड है उन्होंने एक दर्शनीय कैच लिया अमोल डूबे एक ओवर दस रन नौ रन दो विकेट एक एक्स्ट्रा एक 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 था सो so, टोटल अगर देखे तो एक अच्छी फाइट पहले ओवर में जहाँ दस रन बने हैं करण मढ़वी ने सिक्स से शुरुआत की वहीं पर दो विकटे भी गिरी है जो उतना ही कड़वा सच है यानी कि से कुणाल दोन टीमे जो आहे नो फीस जशी सुरुवात झाली होती तशी सुरुवात तशीच सुरुवाताजी मध्ये देखील पाहायला मिळते पहिल्या पहिल्या आपण सत्रामध्ये पाहिलं तर गिरीश कोचरेकरने तीन विकेट घेतल्या होत्या हॅट्रिक त्याने पूर्ण केली होती इथे देखील दोन विकेट आल्यात अमोलने त्यात महत्त्वाच्या दोन विकेट घेतल्यात किरण खोबरे एक महत्त्वपूर्ण गोलंदाज आणि आता पाहूया त्याच्याकडून अपेक्षा आहेत चांगली गोलंदाजी करत आलाय किरण खोबरे क्षेत्रक्षणाची सजावट शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्ड मॅन बॅकवर्ड ऑफ पॉईंट पॉईंट थर्टी या सर्कलच्या आतमध्ये डीप मध्ये कवर्स ला क्षेत्रक्षक आहे दोन क्षेत्रक्षक ऑन साईडला आहेत एक मिडविकेट आणि एक स्क्वेअर लेग पहिला बॉल किरण खोबरेचा पहिला बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न बॉल चांगला वळण घेतोय सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये पहिला डॉट बॉल डॉट बॉलचा दबाव नक्की बनेल टीम गावदेवी गावठांवर जो किरण कोबरे ने बल्लेबाजी में जो अच्छा प्रदर्शन किया है अब यहाँ पर गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं तो रन के लिए एक और विकेट के लिए दस पॉइंट लेने की दिशा में भी आगे बढ़ जाएंगे चित्र जागे वन खेलने का प्रयत्न फुटवर्क नहीं है सुमित ढोंगे जर पा आता पर्यत खेल नहीं है मगर एक लेक बाय होती थोड़ा सा दबाव बनते हैं सिद्धेश्कर थोड़ा सा सुमित ढोंगे बहुत गेंदबाजी का पेश करते हुए पंतनगर किरण खोबरे के के एक खिलाडी वन पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेला भरपूर क्रीजच्या आत आतमध्ये खेळायचं होतं स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या वरून आणखीन एक डॉट बॉल सलग तीन डॉट बॉल टाकले जातात किरण खोबरेने सुमित ढोंगडे परीक्षा त्याची घेतोय त्याच्या फुटवरची टेस्ट सध्या सुरू आहे डेफिनेटली मुंबई या मामा मामा पार मामानवला आणि आता मात्र अंपायर शशी साठम सांगतायत डब्ल्यू च्या स्वरूपामध्ये सुमित ढोंगडे आउट होईल चाच खेळत होता आणि इथे जसं तुम्ही उल्लेख केला मामा बनवला अगदी त्याच पद्धतीने पहिले तीन बॉल निर्धाव टाकले दबाव टाकला सुमित ढोंगडे वर ऑन साइडला खेळण्याचा सा प्रयत्न होता या बॉलवर आणि एलबीडब्ल्यू झालाय किस तरह गेंद अंदर की तरफ आई टो क्रशर्स यॉर्कर ये उसकी खास बात है और सुमित धोंगडे स्ट्राइक से पीछा छुड़ाना चाहते थे और ये टो क्रशर बॉल पर देखिए किस तरह उन्होंने उनको पग बाधा आउट किया है क्या तारीफ करनी होगी आज देखिए सीधे दस पॉइंट ले लिए एक विकेट के जरिए और यहाँ पर ये बोनस हासिल करते हुए किरण खोबरे जो कामयाबी के लिए अपना खून पसीना खर्च करते हैं जो कामयाबी के लिए अपना खून पसीना खर्च करते हैं किरण खोबरे जैसे खिलाड़ियों का वीडियो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं दस पे तीन चांगली बॉलिंग किरण खोबरे ची। चार डॉट बॉल ही निर्धा षटक आईया स्पर्धे मध्य का कारण सलग चार डॉट बॉल टाकले नवीन बैटर तो अक्षय अक्षय मात्रे अब्बू एक अक्षय आहे तो मोन्या एक अक्षय मात्रे हाशिवरे अलिबाग परिसरातील एक खेळाडू सध्या मैदानामध्ये खेळत असताना सिद्धेश वास्करच्या बरोबरने पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल दहाला तीन अशी परिस्थिती आहे बिकट परिस्थिती मी म्हणेन गावदेवी गावठांची याच्यातून उभारी घ्यावी लागेल पुढचा बॉल थोडसा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न होता ड्रायव्हिंग लेंथवर होता ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न बॅकफुटला जात असताना सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये सलग पाच बॉलवर पाच चेंडू निर्धाव टाकलेत एक विकेट किरण खोबरेच्या खात्यात किरण खोबरे की गेंदबाजी में और आ, क्या पहिला शेवटचा बॉल विकेट मिळू शकते मेडन अँड टू विकेट या ओव्हर मध्ये टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे पहिलं निर्धाव षटक राष्ट्रवादी चषक मध्ये कोणी टाकलंय तर नाव त्याचं किरण खोबरे विकेट घेतलेले आहेत त्याने या ओव्हरमध्ये दोन अभिनंदन किरण खोबरे बहुत बढ़िया कैच पप्पू ने कैच लिया देखिए किरण खोबरे क्या फोकस मैन है फोकस शब्द का मतलब क्या है एफ मतलब फॉलो ओ मतलब वन सी मतलब कोर्स यू मतलब अंटिल एस मतलब सक्सेस फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस और फोकस मैन है इस वक्त किरण खोबरे विकेट मेडन ये मैदान पर क्या बात है किरण खोबरे कहते हैं ना खोबरे को आप कहीं भी इस्तेमाल कर लो सब्जी में इस्तेमाल कर लो बिरयानी में इस्तेमाल कर लो चटनी में इस्तेमाल कर लो श्रीफल श्रीफल से ही तो खोबरा निकलता है और जैसे श्रीफल है वैसे ये श्री क्रिकेटर है वन ओवर वन मेडन नो रन्स एंड टू विकेट बॉलिंग के लिए या ओवर मध्य दोन विकेट महत्वपूर्ण दोन विकेट अबोल दुबे पुनः एक गोलंदाजी सज्ज हो दोन समाप्त झाले टीमची धाव संख्या दहा लक्ष पार करायचं धावा करायचे सामना जिंकण्यासाठी अठ्ठेचाळीस बारा नवीन बॅटर मैदानामध्ये चालला अमित नाईक एकट घरचा हा खेळाडू सिद्धेश वास्कर जो भंगारपाडा गावचा खेळाडू आहे रन करावे लागतील अमोल दुबे बाबळेश्वर बाबळी या परिसरातील खेळाडू नगर जिल्ह्यातील नगर जिल्ह्यातले अनेक खेळाडू सध्या खेळताना दिसतात शिरसाट स्पोर्ट्स मध्ये ही चांगली बाब पहिला बॉल या ओव्हरचा बॅकफुटला जात असताना फक्त पंच केला टॅप करत असताना डीपमध्ये शेतरक्षक आहे डीप कवर पॉइंटला तोपर्यंत सिंगल प्राप्त केली सिद्धेश वास्करचं खातं उघडलं जात आहे टीमची धावसंख्या आता अकरा पहिल्या ओव्हरमध्ये धारण आले होते त्यानंतर दुसरं षडक निर्धाव टाकला आणि त्याच्यानंतर सातव्या बॉलवर ही पहिली सिंगल आली जो दर्शक इस वक्त मैदान में बैठे हैं ना वो धन्य हो गए पहले मैच में पहली पारी में हैट्रिक दूसरी पारी में विकेट मेडन इससे ज्यादा और आपको क्या दिया जा सकता है ये राष्ट्रवादी कप का कमाल है कि बेहतरीन क्रिकेट आप लोगों के सामने इस वक्त दिखाया जा रहा है गोलंदाज गोलंदाजाजां जुगलबंदी तुम्हें पहाता मां है स्पर्धे मध्यमत रन ये विकेट देता है इनिंग मे तुम्हें हैट्रिक पायली गिरीश कोचरेकर चार विकेट यानी दो बॉलर ने दोन दोन विकेट घेल यावेळेला फुल टॉस होता चॉप करत असताना बॅकवर्ड ऑफ पॉइंटला चांगलं क्षेत्रक्षण तिथे पाहायला मिळालं भूषण पाटीलचं रन वाचवलेत आपल्या टीमसाठी एकच धाव मिळताना दिसते आणि ही सिंगल आता टीमच्या टोटल मध्ये वाढ होईल चांगलं क्षेत्रक्षण भूषण कडून डेफिनेटली डे देखील थोडा उनका वजन बढायल लेकिन उन्होंने उस चौके को रोका है नवी मुंबई का कोहिनूर चांद को ये गुरु रह के उसके पास नूर है लेकिन उसे कहां पता कि नवी मुंबई के पास कोहिनूर है और भूषण ने वो रोका फुल टॉस इथे चूक झाली आहे का हे पाहावं लागेल परंतु वन हंड्रेड कॅच वड अंपायरने रेफर केलेला आहे बीमर साठी हा बॉल आकाश जांगीळ दीप मध्ये होता मिडविकेटला एका एक हाताने हा झेल तर त्याने पकडलाय टाळ्यांचा कडकडाट झालाय परंतु हा बीमर आहे का हे आता चेक केलं ला जाईल आणि बीमर नसेल तर या राष्ट्रवादी चषकातला सर्वोत्तम झेल दुसऱ्या रात्रीतला नक्की ठरेल जो आकाश जांगीळने टिपलाय आकाश देखिए शून्य पर आउट हुए लेकिन जो बल्लेबाजी में खोया वो क्षेत्र रक्षण में हासिल करूंगा इसके पहले ऑलरेडी एक कैच ले चुके हैं और ये जो कैच था वाकई में काबिल तारीफ ऐसे कैच जो है आंखों में कैद हो जाते हैं और थर्ड नंबर के पास रेफर किया गया है रिप्ले रिप्ले आपल्या स्क्रीन वर आता सर्व जे आमचे पंच आहेत टीव्ही अंपायर सध्या चर्चा आहेत आणि त्यांचा डिसिजन येईल आणि आलायन वर डिसिजन नो बॉल आणि नेक्स्ट बॉल आहे फ्री हिट बीमर हा घोषित करण्यात आलाय त्याच्यामुळे नेक्स्ट बॉल आहे फ्री हिट षटकार मारण्याचा प्रयत्न होता मिडविकेटला काय झेल टिपला होता तिथे आकाश चांगीने परंतु नो बॉल घोषित केला पहा ऍक्शन रिप्ले पुन्हा एकदा आपल्या स्क्रीनवर डीप मध्ये मिड विकेट तैनात होता आकाश जांगीळ आणि त्याचा तो प्रयत्न पहा काय प्रयत्न केला होता स्ट्रेच करत असताना झेल पकडला होता आउट साईड डॉ स्टम सा प्रयत्न जास्त बाहेर टाकल्या अमोल दुबेने हा बॉल वाईट घोषित केला आता पंचांनी आकाश को रोका मुझे अशरफ खान स्कूल ऑफ फील्डिंग की याद आ गई और अगर अशरफ खान स्कूल के प्रिंसिपल है मेल आकाश जांगीड वाईस प्रिंसिपल बन सकते कमिटमेंट अशी अमोल बॉल खोदून काढला डीप मध्ये शेतरक्षक आहे बॅडिश ऑन वरून येतील बॉल पर्यंत तोपर्यंत एक धाव मिळते सिद्धेश वास्करला हे समजदारीचं क्रिकेट आहे सिद्धेशचं कारण या अगोदरचा बॉल नो बॉल आला होता त्याच्यानंतर आपण पाहतोय वाईट बॉल आला त्याच्यानंतर सिंगल आली टीमची धावसंख्या स्कोअर आहे आता सोळा आणि बॉल अजूनही शिल्लक आहेत या ओव्हरचे तीन सोळाला ला चार अशी परिस्थिती सध्या गावदेवी गावठाण उरणची आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता या डावाच्या करणने मारला होता स्विच इट करण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र बॉल सध्या आपण पाहतोय ऑन साईडला जातोय तोपर्यंत लेग बायचा इशारा पंचांनी घोषित केला शॉर्ट मिड विकेटला ट्रॅव्हल होत असताना सिंगल मिळते सतरा रन का स्ट्रगल जारी आहे संघर्ष जारी है अनुशासन भरी गेंदबाजी स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी अधिकांश किरण खोबरे ने तो बिल्कुल भी एक इंच भी जगह नहीं दी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए और अमोल डुबे भी एक, एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं सत्रह पे चार फुल टॉस ड्राइव करते क्षेत्रक्षक है फाइडिश लॉन्गॉन लिंगल इतने फासकर सिंगल, सिंगल बरबर टीम की धाव संख्या जकार घर रन अठरा

इतने समाप्त तीन ओवर समाप्ति नर रन एक कोनीस। ये आप देख सकते हैं अगले मैच के लिए राजशक्ति क्लब रिबड़ा राजकोट उनका आगमन हुआ है बैटर रिव्यू फॉर वेस्ट हाई बैटर ने हा रिव्यू घेला लास्ट बॉल कमरेपेक्षा वर टाकण्यात आलाय का हे चेक करायचं आहे थर्ड अंपायरला बॅटिंग टीमने रिव्ह्यू घेतलाय डी आर एस वापरलाय आता पाहूया हे आमचे प्रेक्षक शेवटचा बॉल जो टाकला ज्याच्यावर सिंगल आली अमित नाईकच्या बॅटमधून तो बॉल आता चेक करायचा आहे एक्झॅक्ट किती उंचीने तो बॉल डिलिव्हर्ड केला हाईट फॅक्टर काय होता याच्यावर चर्चा केली जाईल नेक्स्ट मॅच मध्ये राजशक्ती क्लब रिबडा राजकोट हे सर्व जे खेळाडू आहेत हे रेडी आहेत नेक्स्ट मॅच साठी ट्रायडन नवी मुंबईच्या विरुद्ध त्यांची मॅच होईल प्रेक्षक हळूहळू आता आपल्या परतत असताना या क्रीडांगणावर राष्ट्रवादी चषक अनुभवण्यासाठी स्पर्धेची आजची दुसरी रात्र आणि निर्णय आलेला आहे इट्स अ फेअर डिलिव्हरी म्हणजे शेवटच्या बॉलवर सिंगल आली फक्त एक रन मिळेल आणि ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आहे कुणाल का तीन ओव्हर का कम्पॅरिझन अगर हम देखते तो पारी मे तीन ओव्हर 21 रन ते सात का रन रेटचा और उसके जवाब में दो रन पीछे लेकिन उन्होंने चार बड़े खिलाड़ी खो दिए करण मढ़वी तुषार जैसे बड़े पावर हीटर बैटर्स जो है सुमित दोंगड़े ये जो टॉप थ्री थे मतलब गावदेवी गाउटन उरन टीम का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन जो है ये वहाँ पर जा चुका है और अब जो स्थिति है उसमें जो एंटीबॉडीज़ है उनको काम करना होगा इस टीम के लिए नाइनटीन फॉर फोर आफ्टर थ्री तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय एकोणीस धावा चार बॅटर आउट आहेत आणि आता अठरा बॉलचा खेळ शिल्लक आणि अठरा बॉल मध्ये चाळीस रनची आवश्यकता अठरा बॉल चाळीस रन हे समीकरण या मॅच मध्ये सामना कमालीचा रंगेल याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही परंतु किरण खोबरेचं हे षटक खूप महत्वाचं आहे अठरा चाळीस रोकायचे असतील तर पहिला बॉल थोडसा बॅटच्या आतमधल्या कडेला लागल्या असं प्रतीत होते पाहूया एक रन तर पूर्ण केली आहे

हँडल वो आपने पकड लिया लेकिन ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाए 21 चार 4 इथून सिद्धेश वास्करचा खेळ चांगला होना गरजेच आहे या بلا वाइड यॉर्कर पहिला बॉल कमी गतीने दुसरा बॉलवर देखील योग्य योगदान तिसरा बॉल वाइड यॉर्करचा प्रयत्न चांगली बॉलिंग धारदार गोलंदाजी किरण खोबरेची अलग-अलग और लेंथ पर फ्रूट सलाड बॉलिंग जिसको क्रिकेट में कहा गया है द वैरायटी देखिए कितना बड़ा रनअप है उनका ऑलमोस्ट सर्कल के बाहर से दौड़ कर आते हैं और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है लोग उनके मुरीद हो चुके हैं आज चौथा बॉल फुल टॉस होता इधे देखी का नहीं है जास्त कारण वेगा टॉस संपर्नल बैटला लगे हा बॉल सिंगल जाोटल मध्य बैटर ऐसी खात्या टीम ची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आकार घेत असताना रन झालेले आहेत आतापर्यंत बावीस बॉल झालेले आहेत चार दोन बॉलचा खेळ शिल्लक काही गोलंदाजी केली आहे सेकंड मध्ये आहे आतापर्यंत रन खर्च केलेत फक्त तीन दोन विकेट घेतल्यात किरण खोबरेने तीन गोलंदाजी किरण खोबरेची चर्चेमध्ये राहील हे नाव किरण खोबरेचं वेगाने टाकलेला बॉल ऑन साईडला दिशा देत असताना टीम मध्ये शेतरक्षक आहे फक्त सिंगल मिळते सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या तेवीस कुणालिक और अमूल परिवर्तन जो फील्डिंग के डिपार्टमेंट में हमने देखा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ट्वेंटी थ्री फॉर फोर किरण खोबरे चार रन देकर दो विकटे ग्यारह गेंदे की है, उसमें चार रन दिए और दो विकेट उसमें एक मेडन एकदा फुल टॉस आता मात्र कवर्स लड़ाला है हा फटका चांगला है अमित नाइक तो हाँ या बैट मधुनो हा षटकार षटकारा मदद की धा संख्या बोर्ड पहुंचले है चार फलंदाज बाद इथे झाली चूक बॅक ऑफ द हँड थोडासा स्लो रन टाकण्याचा प्रयत्न होता कमी गतीने टाकलेला बॉल झाला आणि कव्हर्सला उडवला सहा धाबा येणाऱ्या बारा बॉलचा खेळ शिल्लक आणि बारा बॉल मध्ये सा सामना जिंकण्यासाठी बारा चेंडू आणि तीस धाबा किरण खोबरे फिर भी देखिए उन्होंने आ, जिस तरह से गेंदबाजी की है दो ओवर एक मेडन दस रन दो विकेट अमित नाइक ने लेकिन वहां पर एक स्ट्रांग मैसेज भेजा है कि कमज़ोर गेंदों को अगर हम बाहर भेजते हैं तो ये बारह गेंदों में तीस हो सकते हैं तीन कमजोर गेंदे चाहिए जिनको बाहर भेजना होगा और अमित नाइक वहाँ पर सिद्धेश वास्कर को ये आत्मविश्वास दिला रहे हैं कि मैं और आप मिलकर ये कर सकते हैं आप और हम अगर मिल जाए तो कुछ भी अशक्य नहीं है एकोणतीस चार फलंदाजबाज बारा बॉलचा खेळ शिल्लक बारा बॉलमध्ये तीस रनची आवश्यकता सामना कमालीचा सा रंगेल पाच षटकार षटकारांच्या परिभाषेत जर विचार केला तर परंतु आता एक महत्वाची गोष्ट गावदेवी गावठांसाठी काय आहे तर फ्रंटलाईन जे सीमर आहेत त्यांची षटकं संपलेली आहेत तुम्ही जास्तीत जास्त दोन ओव्हर गोलंदाजी करू शकता दोन षटकं टाकलेले आहेत अमोल दुबेने दोन षटकं टाकलेले आहेत किरण आणि त्याचमुळे आता जे डीच्या हातामध्ये हा बॉल सोपवण्यात आलाय जेडी भोंडिवले जे डी बोलिंग मार्कवर Left arm, over the ball, full होता, mage, जो डगर है वो अब आसान नजर आ रही है क्योंकि 29 पर चार 30 की जरूरत है रनों के लाले पड़े हुए हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है अनुशासन भरी गेंदबाजी किरण खोबरे की वो पारी Uh, किरण खोबरे इस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उभर कर आए हैं और ये बात जो है ये डेफिनेटली कड़वा सच रहेगी क्योंकि अब विजय के बहुत करीब आ चुके हैं शिरसाठ पुनः एकदार चांगला या फटका एक्स्ट्रा कवर लीप मे शेतरक्षक धावत बॉल पर्यत अड़ा प्रयत्न इॉल अड़वला धाव मिलना सिद्धेश ने दुसरा रन का प्रयत्न के लिए खराब क्रिकेट मी मेन जबकि यह मैदान एक को दो दो को तीन में तब्दील करने वाला मैदान है खुणाल? वो, वो वही से थ्रो करते हैं लुक एट द थ्रो सांग क्षेत्र थ्रो परंतु आता अमित नाइक थाम ना बैट मधुन बैठक विकेट बाउंड्री लाइन ऐसी बाहर हा राष्ट्रवादी चषक छटकार मैच ऑन ने किया गेंद पर स्ट्राइक उस शॉट को पब्लिक ने किया लाइक क्योंकि बल्लेबाज है अमित नाइक छत्तीस पर चार नौ बॉल आणि आता तेवीस रन ची आवश्यकता मॅच ऑन काय फटका सजवलाय अमित नाईकने सतरा रन वर तो खेळतोय सिद्धेश वास्करच्या बॅट मधून रन येताना दिसत नाहीयेत सात बॉल मध्ये सहा रन त्याने केलेले आहेत परंतु अजूनही मॅच ऑन सामना कधीही रंग बदलू शकतो शिरसाट स्पोर्ट धडाक्यात कमबॅक झालं परंतु मध्ये अडचण आहे अमित नाईक पुन्हा एकदा चांगला ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना क्षेत्रक्षक आहे एक रन कम्प्लीट होईल दुसऱ्या रनचा प्रयत्न चालवलाय दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे रनिंग आता चांगली आहे मगाशी दोन धावा घ्यायला पाहिजे होत्या त्या घेतल्या नव्हत्या सिद्धेश वासकरने परंतु अमितने आता सांगितलं दोन रन आहेत इथे आणि त्या घ्याव्याच लागतील आणि आपल्या स्क्रीनवर उस्मान पडेल नेक्स्ट मॅच मध्ये इन ऍक्शन असेल ट्रायडन नवी मुंबई कडून त्याच्यामुळे जे प्रेक्षक नेहमीच आम्हाला विचारतात की उस्मान कब खेलेगा नेक्स्ट मॅच मध्ये खेलेगा उस्मान यॉर्कर हेलिकॉप्टर बॉल ला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अमित नाईक एकट घरचा खेळाडू सध्या मॅच मध्ये रंग आणतोय एक चांगला षटकार त्याच्या पॅट मधून क्या खूबसूरत अंदाज में उस गेंद को देखिए हेलिकॉप्टर शॉट और ये स्ट्रोक जो था इसने छक्के छुड़ा दिए यहाँ पर अब शीरसाट स्पोर्ट्स नगर के क्योंकि नगर की डगर जो आसान नजर आ रही थी लेकिन वो नगर की डगर में अब अगर और मगर आ गया क्योंकि वहाँ पर अमित नाइक आ गया है ग्यारह बॉल में पच्चीस रनों की तूफानी पारी 44 फोर फॉर फोर सांगली फलंदाजी अमित नाइक जी पंचवीस धावाने किरण खोबरे फलंदाजी चोख प्रत्युत्तर देत असताना कारण किरण खोबरेने देखील अकरा मध्ये पंचवीस केल्या होत्या अमितने देखील अकरा मध्ये पंचवीस केल्या होत्या गोलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं तीन विकेट हॅट्रिक घेतली होती गिरीश कोचरेकरने किरण खोबरेने मेडन ओव्हर आणि दोन विकेट घेतल्या त्याच्यामुळे हा सामना अगदी दोलायमान अवस्थेमध्ये आहे रन आहेत पंधरा सात बॉल मध्ये बॅटची कडा घेतली फ्लाय स्लिप मध्ये आहे क्षेत्रक्षक एक रन इथे पूर्ण केली जाईल सिंगलने स्ट्राइक रोटेट होत असताना ओव्हर नंबर खेल संपला सहा बॉल मध्य चौदह धावान की आवश्यकता कंपल्सरी टार्गेट चेस अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयत्न बैट की कड़ा घेत बॉल एक रन रणी प्राप्त अतिशय रोमांचक अवस्थे हरी जी जेडी केवर में सोलह रन है और बल्ला बोल उठा वहां पर अमित नाइक का और अब यहां पर ये जो मैच है क्योंकि कंपलसरी चेज है छे बॉल चौदह बॉल और रन के बीच में फर्क है सिर्फ आठ का और आखिरी ओवर एक नए गेंदबाज को करना है ये देखिए हमारे मजदूर भाई दिन भर की मेहनत करने के बाद अब देखिए कहां से इस मैच का आनंद ले रहे हैं बिल्कुल निर्माणाधीन भवन के ऊपर की मंजिल से वो इस मैच को देख रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य हाँ। इस मैदान का हाँ। सतीश अन्ना सालियन सर एक मिनट हम बहुत महत्वपूर्ण मैच टॉस हुई मैच रंगतदार है परंतु यहां देखी राजशक्ति चाचा एक महत्वाच्या मॅचचा टॉस होतोय सतीश अण्णा सालियन समाजसेवक त्याचबरोबर दिग्गज खेळाडू चेतन चाचा यांच्या उपस्थित राज राजशक्ती राजकोट गुजरात आणि ट्रायडंट इलेव्हन नवी मुंबई उस्मान पटेल हा सकील संजार यांच्या हे कॅप्टन आहेत दोन्ही टीमचे आणि चेतन चाचा दे चे यांच्या शुभ असतील ज्यांनी मात्र राज कपूर मेमोरियल ट्रॉफीमध्ये देखील सिरीज घेतले असे उस्मान जास्त वेळ घेत नाही डिसन काय असणार <कतलगर> आहे <गेगा> फिल्डिंग करू आम्ही पहिले किती उत्सुक आहे तिकडे खेळण्यासाठी पुढच्या वर्षी पण आम्ही तर मिस झालो लेकिन या वर्षी आमची प्रयत्न रेल पूर्ण हंड्रेड पर्सेंट द्यायचा फायनलचा पण आम्ही प्रयत्न करूया खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला असतील धन्यवाद आहे तर जाऊयात धन्यवाद सहा बॉल चौदा रनची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी साठी कंपल्सरी चेज हा नियम आहे या स्पर्धेचा लक्षात घ्या रन पूर्ण कराव्याच लागतील अन्यथा संघ पराभूत होईल सहा चौदा हे समीकरण सिद्धेश वास्करची बॅट शांत आहे परंतु अमित नाईक सध्या चांगला खेळ करत असताना खोल टप्प्या रन का प्रयत्न दोन धावा पूर्ण के चांगली रनिंग बिटवीन दिकेट लेट्रोर दोनों का सिद्धेश अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अमित नाइक अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी आंखें गेंद को पहचान रही है इसलिए मेरा रोल ये है कि मैं उन्हें स्ट्राइक ज्यादा दूं एक को दो में तब्दील करूं

बल्ला लेकर आया है तो रन बनाकर जाएगा अमित नाइक जिसके बल्ले ने की गेंद पर सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी बल्लेबाजी को लोगों ने किया लाइक वो है अमित नाइक चौतीस रन यानी कि चौतीस पॉइंट तो इन्होंने भी ले ली है अफलातुन बैटिंग आता रन कर सहा बॉल शिक है चार मैच ऑन हा महत्वा बॉल है इतने सिंगल आली आरो जास्त फरक पड़ना नहीं शीरसाट स्पोर्ट्स तो प्रयत्न करावा लगे

एक तरफ किरण खोबरे की मेहनत एक तरफ गिरीश कोसरेकर मेहनत एक तरफ अमित नाइक की पारी एक तरफ किरण खोबरे की पारी देखे क्या होगा तीन रन एकदा फुल टॉस खूब चांगला ड्राइव कवर्स डीप मध्य शेत्रक्षक है एक रन पूर्ण थ्रो तो विकेटकीपर एंड लन मिला है दोन बॉल पांच रन हे समीकरण या बॉलवर एकतर मोठा फटका मारावा लागेल किंवा कमीत कमी एक रन घ्यावी लागेल जेणेकरून अमित नाईक स्ट्रायकिंग येण लाईल अरुणला या बॉलवर पाहिजे एकतर विकेट त्याचं कारण आहे आय सी सीने जे रूल बनवले आहेत त्याच्यामुळे नवीन बॅटर स्ट्रायकिंग इंडला येऊ शकतो त्याच्यामुळे हा बॉल या मॅच मधला सर्वाधिक महत्वाचा बॉल आहे शेवटचे दोन बॉल शिल्लक आहे आणि दोन बॉलमध्ये रन करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी पाच देखिए कंपल्सरी चेज है सिद्धेश वास्कर अभी तक रन के लिए स्ट्रगल कर मध्य सिद्धेश ने बॉल टर्न के बैकवर्ड ऑफ स्क्वेर लेग डीप मध्य जेडी ने बॉल अड़ला है जेडी तुफान है जेडी डी वारा है जेडी असा धावतो ज्यादा बॉल अड़वने काय क्षेत्रक्षण केलंय असं वाटलंच नाही असं वाटत होतं की हा गोकुळगाव शहापूर परिसरातला जे डी नाही तर हा ओसेन बोल्ट आहे ज्या पद्धतीने धावला बॉल अडवला आणि पिकअप गॅदर अँड थ्रो रन वाचवले आपल्या टीमसाठी आता या मॅच मध्ये समीकरण आहे एक बॉल आणि एक बॉल मध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी चार विनंती आहे मॅच कोणतीही संघ जिंकू देत मैदानात कोणी जाणार नाही मॅच झाल्यानंतर दुसऱ्या दोन टीम लगेच आतमध्ये जातील इतर कोणीही मैदानात जाणार नाही याची नोंद आपण घ्यायची शेवटचा बॉल शिल्लक लास्ट बॉलवर रन करायचे चा, चार काय क्षेत्रक्षण पहा अरुणच्या चेहऱ्यावर असं वाटतच नव्हतं की हा बॉल अडवला जाईल परंतु ज्या वेळेला बॉल अडवला अरुणच्या चेहऱ्यावर थोडीशी स्माइल आली त्याला वाटलं की आता चला माझ्याकडे एक शेवटचा बॉल आहे जिथे मी अमितला रोकू शकतो परंतु काय क्षेत्रक्षण होतं डीप मध्ये क्षेत्रक्षक जेडी इज और द लेफ्टी इज शक्ती कप मे बी फिल्डिंग और बल्लेबाजी का चर्चा था और अभी भी देखिए वो स्वयं बोल रहे तेज कदम दौड़ कर आए ऐसा लगा मानो पैर में जूते नहीं उन्होंने स्केट्स लगा दिए थे और अगर ये मैच जीतने में कामयाब होता है शिरसाट आई थिंक ये जो बाउंड्री उन्होंने स्टॉप की है वुड बी द बिगेस्ट गेम चेंजर मोमेंट ऑफ द गेम एक बॉल चार रन दो टीम का खेल आवड़ा तो दोनों टीम लोरदार टाइम गजरत या दोनों संघाच समर्थन करूया यावेळेला बॅकफूटला जाऊन अमितच्या बॅट मधून काय आहे काय फटका अमितने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की माझं नाव देखील अमित आहे मी नाही कोणाला भीत आणि हा सामना त्याने फिनिश केला पॉइंटला षटकार मारत असताना शॉट शॉट ऑफ द नाईट आणि हा सामना इथे जिंकलाय गावदेवी गावठाण उरणने अभिनंदन अमित नाईक अतुल मडवी टीम बॅटिंग आई थिंक द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट प्रेशर वाली सिचुएशन से 19 पे चार विकेट थे और उसके बाद अमित नाइक आया और अमित नाइक छा गया पॉइंट के ऊपर से उन्होंने ये जो शॉट खेला तबीयत खुश करने वाला ये शॉट था मैच जिताने वाला ये शॉट था और बिल्कुल गाव देवी गाऊटन ऊरन को अब दो पॉइंट देने वाला वो स्ट्रोक था अरुण अपने आप पर विश्वास नहीं रख पा रहे कि ये चौका जा सकता है अमित नाइक जिसने की गेंद पर सर्जिकल स्ट्राइक वो है अमित नाइक वेरी वेल प्लेड रन ब्रिलियंट बॉलिंग बाय गिरीश कोचरेकर द हैट्रिक ये स्कोर कार्ड किरण खोबरे बारह बॉल पच्चीस सुनील खरडे सात बॉल ग्यारह अमूल डूबे आठ बॉल नौ भूषण चार बॉल आठ गिरीश कोचरेकर दो ओवर पंद्रह रन चार विकेट दूसरी पारी में अमित नाइक सत्रह गेंदों में इकतालीस नाबाद बॉल सात नाबाद करण मडवी दो बॉल छ तुषार शर्मा तीन बॉल एक लेकिन किरण खोबरे दो ओवर एक मेडन दस रन और दो विकेट ये प्रयत्न पर्याप्त नहीं थे जयदीप भोंडि और अरुण के बीच